सोलन जिला के अर्की में HRTC की एक बस के खाई में गिर जाने के कारण करीब 45 लोग घायल हो गए। इनमें से 3 की हालत गंभीर होने पर उन्हें अर्की अस्पताल से प्रारंभिक उपचार देने के बाद IGMC शिमला रेफर किया गया है। हादसा मंगलवार सुबह हुआ। यह बस रोड़ी से अर्की की ओर आ रही थी। आज सुबह तकरीबन 10 बजे एक बहुत ही दुखद हादसे में रोड़ी गांव से अर्की आने वाली HRTC की एक बस अचानक से अपना नियंत्रण खो बैठी और खड्ड में गिर गई। इस बस में अभी तक जो मालूम पड़ा है तकरीबन 45 लोग सवार थे, जिनमें से तकरीबन 30 लोगों को माइनर चोटें आई हैं और 3 लोगों को ऐसा लगता है कि शायद गंभीर चोटें होंगी, क्योंकि उन्हें IGMC रेफर किया गया है। मौके से सभी जो इंजर्ड व्यक्ति थे उनको सिविल हॉस्पिटल अर्की लाया गया है और उन्हें प्राथमिक उपचार और जिस भी तरह के उपचार की उनको ज़रूरत है वो दिया जा रहा है। बस चालक जो है HRTC के उनके जब ये वेरीफाई किया गया तो ये पाया गया कि वो शायद थोड़ी तेज़ रफ्तारी से बस चला रहे थे और किसी बाइक को पास देते हुए अपना नियंत्रण खो बैठे, जिस वजह से ये हादसा हुआ। तो FIR रजिस्टर की जा रही है HRTC के उस बस चालक के खिलाफ। आप खरीदना चाहते हैं गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, कुंदन, एंटिक ज्वेलरी, हिमाचली ज्वेलरी, टेपल ज्वेलरी, तो चले आइए दीपक ज्वेलर, लक्कड़ बाजार, सोलन। सोलन के एकमात्र ज्वेलर जिनके बिकने वाले गहने खुद दुकान पर ही बनाए जाते हैं। कॉन्टेक्ट 9816078655।